जय श्री राम दोस्तों, आज फिर से द केरला स्टोरी पर बात करने वाला हूं और बहुत ही जोश के साथ इस वीडियो को बना रहा हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और ध्यान से जरूर सुने। मैं राकेश सिन्हा योगा टीचर वियतनाम से आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आप सभी को तो पता होगा पश्चिम बंगाल सरकार ने द केरला स्टोरी फिल्म पर बैन लगा दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस बैन को हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। तो मैं अपने सभी बहन बेटियों से निवेदन करना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल में अभी भी जो लोग इस फिल्म को नहीं देखें तो आप अपने पूरे परिवार के साथ जाकर द केरला स्टोरी देख सकते हैं, क्योंकि द केरला स्टोरी फिल्म हमारे बहन बेटियों के हित में ही बनी है। और एक बड़ी खुशखबरी, द केरला स्टोरी को लेकर पहली ऐसी महिला फिल्म बनी द केरला स्टोरी। अभी तक 200 करोड़ की कलेक्शन हो चुकी है द केरला स्टोरी की। द केरला स्टोरी फिल्म का प्रमोशन कौन कर रहा है? ना कोई हीरो ना कोई हीरोइन, इसका प्रमोशन कौन कर रहा है? हम सब सनातनी भाई बहन मिलकर। और आगे भी इस तरह का फिल्म अगर भारत देश में बनती है या फिर आएगी तो हम सब सनातनी मिलकर फिल्म को प्रमोट करेंगे। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस फिल्म को प्रमोट किए हैं और हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी भी इस फिल्म को प्रमोट किए हैं। और ना सिर्फ प्रमोट किए हैं, योगी जी अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ जाकर थिएटर में इस फिल्म को देखें और जो भी लोग इस फिल्म में काम किए उनको बधाई एवं शुभकामनाएं भी दिए। मैं राकेश सिन्हा वियतनाम से इस तरह का वीडियो बनाते रहता हूं। मैं वियतनाम से राम जी हनुमान जी सनातन धर्म और हिंदुत्व का गुणगान करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट में तो जय श्री राम चाहिए ही चाहिए। अगर जो भी भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, लव यू इंडिया।